था ये हुहू नाम का गंधर्व है। हुहू गंधर्व एक होते हैं जो सिर्फ देवताओं को हंसाने का काम करते हैं, बस किसी जब किसी प्रकार से ऐसा चेष्टा करेंगे कि वो हंसने लगे। तो ऐसे एक बार एक ऋषि थे, देवल नाम था, वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, जल में खड़े थे। तब तक ये अप्सराओं से उसी नदी में स्नान कर रहा था, इसको मजाक समझा, ये नीचे से आया पानी में डूब करके और उनके पैरों को पकड़ लिया। अब घबरा गए देवल ऋषि, हाथ से छूट गया कमंडल, गिर गया और भाग के बाहर खड़े हुए। तब ये निकल के ठट्ठा करके हंसा, बहुत जोर से हंसा और उनको क्रोध लग गया। जा तू पानी के नीचे आकर के मुझे प्रश्न किया, परेशान किया, जा तू पानी का जीव ग्राह हो जा। श्राप दे दिया, वही ग्राह उस पानी में इंतजार कर रहा था आज आज। और कहा मुझे उद्धार कब होगा, ऋषियों का श्राप भी जो होता वरदान बन जाता है। ब्रह्म विरोधो विश्व महात्मनः, ये जो है कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति से विरोध भी ठीक है और गंदे व्यक्ति से मैत्री रखने की अपेक्षा। तो ऋषियों का जो होता है श्राप वो वरदान भी हो जाता। बोलो नारायण भगवान की। हाथी को भगवान ने तार दिया तो हम सबको क्यों नहीं तारेंगे। जब तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा चंदन का करके महाराज को भी दो लोग जय बोला करो। बोले राधा रानी सरकार की। आगे सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चौथे मनु की कथा सुनी, पंचम मनु रैवत मनु हुए और छठे मनु चाक्षुष मनु हुए। सुखदेव चाक्षुष मनु के समय में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया था, क्यों जरूरत पड़ी, सब उन्हीं के इच्छा अनुसार हो रहा था, करवाना था। कारण क्या पड़ा, दुर्वासा जी एक बार जा रहे थे, इंद्र जी जा रहे थे हाथी पे सवार होकर, दुर्वासा ऋषि को लगा के चलो इनका स्वागत करते, एक माला उठाया और गले में डाल दिया। इंद्र ने क्या किया, उस माला को उठाकर अपनी राउत को पहनाया और वो माला जाकर के नीचे गिर गई और हाथी ने अपने पैर से कुचल दिया। दुर्वासा यशसा दुर्वासा, जिसने दूध का रस का पान किया हो उसी का नाम दुर्वासा हुआ। बड़े क्रोधी श्राप दे दिया, इंद्र जा आज से तू स्त्री हीन हो जा। आ भयंकर श्राप लग गया इंद्र को। जब इंद्र को श्राप लग गया तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु सब स्त्री हीन होते जा रहे हैं, एक ऋषि का श्राप लग गया। नारायण के पास गए कि प्रभु अब उपाय करो, इस समय हम लोगों की शक्तिहीन होते जा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि